टॉपिक इज गोइंग ऑन करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स. यू हैव रीड व्हाइल और व्हेन. टू रूल्स ऑफ व्हाइल एंड व्हेन हैज बीन कंप्लीटेड. रूल नंबर थर्ड व्हाइल और व्हेन का रूल नंबर थर्ड है इफ दे आर टू सेंटेंसेस कंबाइंड विद व्हाइल और व्हेन एंड वन पार्ट ऑफ सेंटेंस पार्ट ऑफ सेंटेंस is filled with V2, then the other side of sentence is filled with was or were plus be first plus ing. क्या सेंस हुआ? इफ देर आर टू सेंटेंसेस कंबाइंड विद व्हाइल और व्हेन, यदि दो वाक्य व्हेन अथवा व्हाइल से जुड़े हुए हैं, एंड वन पार्ट ऑफ सेंटेंस इज फिल्ड विद वी टू, और किसी भी वाक्य का एक तरफ का कोई भी एक हिस्सा, कोई भी एक सेंटेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ ऑलरेडी भरा हुआ है, देन द अदर साइड ऑफ सेंटेंस इज फिल्ड विद वॉज वर्ब प्लस बी फर्स्ट प्लस आईएनजी. एग्जाम्पल के तौर पर हम ये देखना चाहें, मैंने कहा मोहन प्लेड हॉकी. प्लेड वी टू ऑलरेडी एग्जिट से आ, मोहन प्लेड हॉकी व्हाइल आई लिसन म्यूजिक. मोहन प्लेड हॉकी व्हाइल, व्हाइल से जुड़ा हुआ है, वाइल से जुड़ा हुआ है. अगर वी टू जब आई है तो इधर हो जाएगा वॉज वर्ब प्लस बी फर्स्ट में आई एन जी, तो यहां आ जाएगा वॉज लिसनिंग. यदि हम और भी एग्जांपल देखना चाहें, मैंने ये कहा मयंक रॉट रॉट वी टू आई है इन ओवर व्हेन श्याम रीड ए स्टोरी. अब इधर जब वी टू आया है, इधर वी टू आया है, सेंटेंस व्हेन एंड व्हाइल, इट डजंट मैटर, व्हेन एंड व्हाइल आर सिमिलर इन एवरी कंडीशन. जब वाक्य व्हेन और व्हाइल से जुड़ा हुआ है, इधर जब वी टू आ गया तो इधर आएगा वॉज वर्ब प्लस बी फर्स्ट वाई एन जी. श्याम के हिसाब से यहां हो जाएगा वॉज रीडिंग. नेक्स्ट टू प्रोसीड रूल नंबर फोर्थ ऑफ व्हेन एंड व्हाइल. ऑलरेडी रिमाइंडिंग योर माइंड दैट रूल नंबर हैजंट टेकन ए वेरी विटल रोल, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू रूल अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एंड अकॉर्डिंग टू योर रेगुलरिटी. देयर डजंट मैटर अबाउट द रूल एंड कंसेप्शन, सो यू आर एडवाइज्ड टू गिव द रूल नंबर एज अकॉर्डिंग टू योर सीनियरिटी और प्रायोरिटी. Rule number four, according to mine, if two sentences are combined with when or while, then the correct form of the verb, correct form of the verb is filled according to the meaning of the sentence where
no rule of when and while takes a part of rule. नेक्स्ट अपन देखना चाहें इफ टू सेंटेंसेस आर कंबाइंड विद व्हेन और व्हाइल, यदि दो वाक्य व्हेन अथवा व्हाइल से जुड़े हुए, ध्यान दें आप, देन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज फिल्ड अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. कहां पर? वेयर नो रूल ऑफ व्हेन एंड व्हाइल टेक्स ए पार्ट ऑफ रूल. जहां पर किसी भी प्रकार से व्हेन एंड व्हाइल का रूल काम नहीं करे. रूल काम कैसे नहीं करेगा, आप क्लियर कर लें. आपको यह कहा गया फर्स्ट ऑफ रूल में व्हेन एंड व्हाइल के में कि व्हेन एंड व्हाइल के दोनों ओर यदि ब्लैंक आया, एग्जाम में ही ब्लैंक दे दिया, तो आप दोनों तरफ वाज वर्ब प्लस बी फर्स्ट में आईएनजी पाते हैं. सेकंड रूल कहता है यदि ऑलरेडी एग्जिस्ट्स वाज इन वाज एंड वर्ब इन द प्रेजेंट ऑफ सेंटेंस देन द अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस इज फिल्ड विद वी टू. यदि दिए हुए वाक्य के एक ओर वाज वर्ब प्लस बी फर्स्ट में आईएनजी आई है तो दूसरी ओर वर्ब की सेकंड फॉर्म भरेंगे. द थर्ड रूल ऑफ व्हेन एंड व्हाइल इज सेड दैट इफ देयर इज बी टू in the one part of a sentence then the other part of a sentence is filled with was athwa var plus be first plus ing. मतलब यदि दिए हुए वाक्य में verb की second form एक तरफ भरी हुई है तो दूसरी तरफ आप was और var plus be first में ing भर दें. The fourth rule of when and why is so different from the three rules. उसमें क्या होगा कि वहां पर किसी प्रकार का कोई rule काम नहीं करेगा. We always see the meaning of the sentence then we fill then we are able to fill the right correct form of the verb. Example के तौर पर यह कहा गया जैसे मोहन, मैंने कह दिया enter in the room when I ओपन दी डॉर. यहां वर्ब्स प्ले करती है, जो वर्ब्स हैं वो बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है. वर्ब्स का मतलब क्रियाएं, क्रियाएं रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब. यदि हम बात करें स्टॉक वाली वर्ब जो झटके के साथ काम में ली जाती है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मोहन एंटर इन द रूम, तो एंटर एक ऐसी वर्ब नहीं है कि अपन एंटरिंग, हमें जब कहीं प्रवेश करना होगा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रवेश करेंगे. इसका मतलब वो वर्ब निश्चित रूप से स्टॉक वाली हो गई और आया है वे, और वैन के स्थान पर वाइल भी हो सकता है. That doesn't matter. यदि वहां यहां while भी होगा, that doesn't matter. यदि while होता है, I open the door. तो door open, अर्थात दरवाजे को खोलने में इतना समय नहीं लग सकता. अर्थात वो verb भी क्या हो गई? वो verb भी open हो गई ही. मतलब वो verb stop वाली हो गई. तो main के हिसाब से यहां तो हो जाएगा entered और दूसरे उसमें अपन यदि चाहेंगे तो वहां हो जाएगा open. अर्थात यहां दोनों जो rules हैं अपन के उनका खंडन हो गया, दोनों और वी टू आ गई. अब यदि दोनों और वाज प्लस बी फर्स्ट में आईएनजी आती है देन देयर इज नो प्रॉब्लम बिकॉज यू हैव द वन रूल ऑफ अबाउट इट. सो रिमाइंड इट वन थिंग दैट द थ्री रूल्स ऑफ व्हेन एंड व्हाइल इज आल्सो प्ले विटल रोल इन योर स्टडी एंड द फोर एंड अटमोस्ट रूल दैट देयर इज नो रूल वर्क इन एनी हाउ कंडीशन. सो वन थिंग आई वांट टू से समथिंग अबाउट योर स्टडीज. इफ यू आर रेगुलरली अटेंडिंग माई क्लासेस देन देयर इज नो ऑब्जेक्शन एंड देयर इज नो complaint, there is no conclusion, there is no problem to all of you. So keep reminded and clear it. आप लोगों को एक क्लियर अप कर देता हूँ. बार बार आप लोग इस तरीके के मैसेज भेजते हो सर कब क्लासेज हो रही है, ऑनलाइन कैसे हो रही है. आप लोगों को पहले बता दिया है कि when I send the link every day, then you can go on. If you have subscribed my channel, then you can easily get the teaching matter or the lesson or the lecture that has been taken, that has been given by me. So thank you again.